अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से। पूरे देश के साथ रीवा जिले में शहीद स्मृति दिवस श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान शहीदों को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। रीवा जिले की 9वीं बटालियन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव, डीआईजी मिथिलेश शुक्ला, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, एडिशनल एसपी अनिल सोनकर के साथ भारी संख्या में विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान देश में शहीद 261 लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि 261 लोगों में से 16 जवान मध्य प्रदेश के हैं, जिन्होंने देश की सुरक्षा में अपनी जान गंवाई है। आयोजित कार्यक्रम के संबंध में एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव ने कहा कि जो देश के लिए बलिदान हुए हैं उन्हें नमन करने के लिए एकत्र हुए हैं। 9वीं बटालियन के कमांडेंट के द्वारा परेड आयोजित की गई है। बालाघाट की दुर्घटना को याद करते हुए बताया गया कि 94 में 11 पुलिस अधिकारी कर्मचारी लैंडलाइन में शहीद हुए थे, उन्हें विशेष रूप से याद किया गया है। आपको बता दें कि उस समय एडीजी वेंकटेश्वर राव की पदस्थापना बालाघाट में थी। आइए आपको दिखाते हैं आयोजित कार्यक्रम और सुनाते हैं केपी वेंकटेश्वर राव ने क्या जानकारी दी है। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का आगमन हो चुका है। बिना पीछे आ जाओ।
पैरेंट के उपस्थित आदरणीय कमिश्नर रीवा सुसारी साहब, डीआईजी मिथिलेश शुक्ला साहब, कलेक्टर मनोज, एसपी नवनीत, श्री यूपी सिंह साहब परिहार रिटायर्ड डीआईजी, मैं आज शहीद दिवस के अवसर पर कर्तव्य की वेदी पर समर्पित शहीदों को आत्मिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ एवं उनके परिजनों को सादर नमन करता हूँ। आज का दिन देश की सेवा में समर्पित समस्त पुलिस एवं उनके परिवार के लिए एक भावुक दिन है, जिसमें हम सभी देश के कर्तव्यनिष्ठ अमर शहीदों व उनके बलिदान को याद करते हैं। मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज आप सब यहां देश की सेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु उपस्थित हुए। हम सभी पुलिस कर्मी एवं उनके परिजन ऐसे महान बलिदानियों के देश प्रेम से ओत प्रेत होकर उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं और यही प्रेरणा हमें जीवन में देश व देशवासियों को सतत एवं निस्वार्थ सेवा हेतु प्रेरित करता है। वर्ष 1959 में ठीक आज ही के दिन चीन ने भारत के अक्साई चिन क्षेत्र पर आक्रमण कर चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के कायरतापूर्ण हमले में सीआरपीएफ के 10 जवान शहीद हो गए थे। भारत सरकार के दखल के बाद 10 जवानों के शव 3 सप्ताह पश्चात वापस सुपुर्द किया गया, जिन्हें लद्दाख के हॉट स्प्रिंग नामक स्थान पर संपूर्ण पुलिस सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा चीनी सेना को नापाक इरादों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना प्राणों को आहुति दे दी थी। आपको ज्ञात होगा वर्ष 1994 30 जुलाई को नक्सलियों के द्वारा जो लैंड माइन ब्लास्ट किया गया था, उसमें हमारे नौवीं वाहिनी के 11 कर्मचारी अधिकारी शहीद हुए थे। इस वर्ष मध्य प्रदेश के 16 पुलिसकर्मी शहीद हुए, जबकि पूरा देश में 261 पुलिसकर्मी पुलिस पर्सनल शहीद हुए। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष पुलिस फोर्स के जवानों द्वारा अलगवाद, उग्रवाद, आतंकी एवं वामपंथी हमलों से देश एवं देशवासियों को सुरक्षा करते हुए अपना प्राणों को बलि देते हैं। पुलिस की ऐसी वीर सुपुत्रों की शहादत में सम्मान के प्रति हर वर्ष 21 अक्टूबर शहीद दिवस मनाया जाता है। आज पूरे भारतवर्ष में पुलिस शहीद दिवस, पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जा रहा है। इस वर्ष 261 पुलिस पर्सनल जो है शहीद हुए, मध्य प्रदेश के कुछ 16 लोग शहीद हुए, तो ये हम उनके स्मरण में, उनमें जो देश के लिए जो बलिदान दिया उसके स्मरण में है, उनके नमन करते हुए परेड हर वर्ष होता है। इस वर्ष भी 9th बटालियन के कमांडेंट के द्वारा यहाँ अमर वीर जवानों की परेड आयोजित की गई। उनको यहाँ हम कमिश्नर साहब और डी आई साहब सब लोग आए, उनको हमारे तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की है। और जो नक्सल एरिया में जो बालाघाट में विशेष रूप से 1994 में 11 जो हुए नवी वाहनी के 11
पुलिस अधिकारी कर्मचारी लैंडमाइन में ब्लास्ट ब्लास्ट में शहीद हुए समय नक्सलियों द्वारा ये गाड़ी में जा रहे थे, हमारे बड़ी वाहन में वाहन को उड़ा दिया गया था। बहुत बड़ी एक घटना है। और 97 में भी मैं जब वहाँ पदस्थ था बालाघाट में, एक सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल की भी उन्होंने घात लगाकर उनकी हत्या की गई है नक्सलियों द्वारा। तो इन लोगों की मनसूबों को हमको चोर चोर कर देंगे बालाघाट पुलिस द्वारा। अभी पिछले कई 3 सालों से कई ऑपरेशंस में नक्सलियों को उनकी दीवार पुलिस वाली दीवार बन के हमने उसको कार्रवाई कर रहे कि ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो ये इस तरह की कार्रवाई हम करते रहेंगे। और पुलिस पर्सन के उनके परिवार को भी हम लोगों ने आज उनको सम्मान दिया, उनको उनके परिवार बच्चों द्वारा जो बलिदान दिया उनको हमने स्मरण किया। वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। धन्यवाद।